पखांजूर में इंडियन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। यहां जांच के बाद धान उपार्जन केंद्र में फर्जी तरीके से धान खपाने वाले लोगों पर निलंबन की गाज गिर सकती है। इंडियन न्यूज ने PV92 छोटे बेड़िया उपार्जन केंद्र में 84 लाख के धान को चूना लगाने के साथ फर्जी तरीके से धान को खपाने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसके बाद लैम्स प्रबंधक आंख खोलने के बाद मामले की जांच में जुटी है। नोडल अधिकारी द्वारा किए सत्यापन रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जा सकती है। बताया जा रहा है कि घोलमेल किए राशि को उपार्जन केंद्र प्रभारी से वसूल किया जाएगा। लैम्पस प्रबंधक ने बताया कि राशि जमा नहीं किए जाने पर उन पर निलंबन जैसी बड़ी कार्यवाही की जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।